मैं हूँ काय, टीम स्टैट्स का लीडर। कई योद्धाओं के नाते हम दुनिया भर में भ्रमण करते हैं इस विश्व की प्राण ऊर्जा की तलाश में। सिर्फ हम ही हैं जो इस पृथ्वी को बचा सकते हैं लोकर की बुरी शक्तियों से। कायरों को जरूरत होती है बहुत सारे एक्स्ट्रास की, जो हमें देता है शक्तिशाली और काबिलियत, जो हमें अनोखे मॉन्स्टर्स में बदल सकता है। जो कोई कायरों को हासिल कर ले वो बन सकता है एक शक्तिशाली रणकाय। मेरा नाम है काय, मैं कायरू योद्धा हूँ। मेरा लक्ष्य है कायरों पर विजय हासिल करना। शांति बनाए रखने के लिए जो तुमने वीरता दिखाई और कायरू योद्धा के काम को जिस तरह तुमने आगे बढ़ाया है, उसके लिए ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें इतना महत्वपूर्ण पद प्रदान कर रहा हूँ। मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि तुम एक रेड अकाई हो। डैड कमाल के हैं काय। मैंने आपके कई कारनामे देखे हैं डैड, पर आखिरी वाला कमाल का था। मुझे आप पर नाज है डैड। शुक्रिया काय, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे लगा कि नए योद्धाओं को शिक्षा देने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता पाऊंगा, लेकिन कई काम बाकी हैं इसलिए देर नहीं कर सकते। हमें और योद्धाओं की जरूरत होगी और वो भी जल्दी। कोई बात नहीं डैड, मैं समझ सकता हूँ। बस अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैंने ऐसी सेरेमनी आज तक नहीं देखी। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी किसी दिन रेड अकाई बनूं। आवाज मत करना, ये ईटींस होंगे। ये ईटींस नहीं है, ये तो बच्चे हैं। तुम तीनों सुनो, ये सब बंद करो। पर क्यों? हम योद्धा हैं और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। क्या कहा, योद्धा? हाँ, अच्छा मजाक था। ओ, टीम स्टैक्स, मिलो मेरे नए योद्धाओं से। टीम टायरो, काय, माया और बूमर को अपना परिचय दो। मेरा नाम जिया है और जो मुझे लीडरशिप मटेरियल नहीं मानता है वो मेरे ख्याल से खुद लीडर नहीं है। मैं हूँ एपेक्स। अगर किसी को लगता है कि मैं लीडरशिप मटेरियल नहीं हूँ तो वो सही है। मैं ज्यादातर पीछे खड़े रहने में विश्वास करता हूँ। मैं हूँ बैलिस्टर। अगर मुझे पता होता कि मुझे मेरे बारे में बोलना है तो मैं नोट्स लिख कर लाता हूँ। मैं टाइपिंग फास्ट करता हूँ ना, इसी पर टाइप करता हूँ। ओह, तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। गुड लक ट्रेनिंग के लिए। ओके, बाय। रुको, मैं तुम्हें टीम टायरो से इसलिए मिलवाना चाहता हूँ कि तुम सब इन्हें अच्छी तरह ट्रेन करो। हम? सिर्फ आज ही के लिए, उसके बाद से मैं खुद इन्हें ट्रेनिंग दूंगा। पर मास्टर बोर्ड आए, अपने दुश्मन को सबक सिखाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन बच्चों वाला सबक सिखाना डैड अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों को ट्रेन करना मेरा सपना था, मैं तैयार हूँ। चलो, कोई तो है। ओह बूमर, तुम्हारी क्या बॉडी है। हम तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकते हैं ना? टीम स्टैक्स, तुम्हारा आज का काम है टीम टायरो को शुरुआती चीजों के बारे में बताओ। इससे इनकी शारीरिक शक्ति का पता चलेगा और इनको ट्रेनिंग के बारे में भी। बिल्कुल, मुझे लगता है आप हमारा चुनाव ही नहीं करते अगर आप हमें काबिल नहीं समझते। तुम में से कोई बताएगा इस डिवाइस को क्या कहते हैं? ये एक एक्स रीडर है। इसकी मदद से योद्धा अपने मॉन्स्टर पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और कायरू का पता चलता है। बहुत बढ़िया। ओके, अब मान लो कि हम ईटींस हैं। अब तुम्हें अपने मॉन्स्टर्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके हमसे मुकाबला करना है, जैसे कि ये। सॉरी, दरअसल मैं थोड़ा डर गया था। तुम
सब चैप्टर 12 देखो। इसके दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि एक्स रीडर का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब एक आधिकारिक चुनौती दी गई हो, जो कि ये नहीं है। सर, हर जगह किताब काम नहीं आती। कायरो योद्धा को कभी कभी फेर बदल भी करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में कभी भी किसी भी चीज का सामना करना पड़ सकता है। सॉरी, मैं फिर से डर गया। मेरे हिसाब से हम तीनों को इन्हें अलग अलग होकर सिखाना पड़ेगा। बूम स्टाइल किसे सीखना है? बताए बच्चों, माया एक कायरू योद्धा है और मैं हूँ कायरू चैंपियन। हाँ, पर बूमर बच्चों का काफी चहेता है। जिया, तुम्हारी चुनौती है इस कायरू शक्ति वाली बॉल को पकड़ना, इससे पहले कि वो उस पेड़ तक पहुँच जाए। बस इतना ही? ये तो काफी आसान चुनौती है। जितना लगता है उतना आसान नहीं है। जाओ। ओके, मेरे ख्याल से ये इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। मान लो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और मैं छुपने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पता चले बिना तुम्हें मुझे पकड़ना है। TeamNetworkIndia.co.in मैं ये कर सकता हूँ। ध्यान लगाओ और अपना संतुलन बनाए रखो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब अगला कदम। मेरे ख्याल से तुमने नीचे गिरना तो सीख ही लिया है। मैं जानती हूँ, कल हम और अच्छा करेंगे जब मास्टर बोर्ड जाए हमें ट्रेन करेंगे। हाँ, अगर वो हमें ट्रेन करना चाहते हो तो। शायद इन बच्चों को हमारी ट्रेनिंग का तरीका पसंद नहीं आया। मेरे डैड बहुत अच्छे टीचर हैं, पर मैं नहीं। कम ऑन दोस्तों, पहले दिन की ट्रेनिंग में तुम सबने बहुत ही अच्छा किया। चलो तुम सबके लिए ऑल द बेस्ट। ट्रेनिंग पर अच्छे से ध्यान देना। स्क्रेपर में जाने की परमिशन नहीं है। अगर टीम स्टैक्स को ये पता चल गया, बाहर जाकर हम कायरू डिपॉजिट उनके लिए ले आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम कितने बहादुर हैं। तुम चाहती हो कि हम कायरू जमा करने जाएं? जरूर, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। ऐसे मामले में हमें क्या करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग हमें नहीं दी गई है। काई ने जो कहा तुमने सुना? योद्धाओं को अपना दिमाग लगाना पड़ता है। हम उस गेट पर आज लड़ कर आए, ये हमारा मौका है अपने आप को टीम स्टैक्स के सामने साबित करने का। काय, माया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कल रात कायरू अलर्ट मिल रहा था और तुम दोनों सो रहे थे। तुम दोनों में से किसने अलर्ट टोन बंद की थी? ये मैंने नहीं किया बूमर। हाँ, और मैंने भी ये नहीं किया है। अच्छा, तो फिर कौन कर सकता है? टीम कायरू, टीम स्टैक्स।
अगर तुमने स्टूडेंट्स को देखा तो उन्हें बता दो कि वो आज की ट्रेनिंग के लिए लेट हो चुके हैं। मास्टर बोराय, हमें कल रात कायरो का सिग्नल मिला था, शायद टीम टायरो उसी के पीछे गए हैं। टीम टायरो बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें वापस ले आएंगे, वो भी कायरो के साथ। ये एक्स रीडर शक्तियों के चुनाव के लिए अच्छा है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कायरो तक पहुंचने के लिए नहीं बने हैं। तुम्हारा मतलब वो केवल ये दिखाएंगे कि कायरो कहाँ है, या कायरो हमें खुद ढूंढना पड़ेगा? अच्छा होता यहाँ आने के पहले इसकी ट्रेनिंग ली होती। चलते रहो, हम ढूंढ लेंगे उसे। उसे ढूंढने से पहले मुझसे सामना करना होगा। टीम रेडी को, इनके सामने हमारी दाल नहीं गलने वाली। एपेक्स, ये लोग ई टीम्स हैं जिनका फिक्र मैनुअल में है, तो इसी से पता चलता है कि तुमने अब तक मैनुअल नहीं पढ़ी है ना? मैनुअल? लगता है तुम स्टूडेंट हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम टीम रेडिकॉर हो। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, और ये जिद्दी है, और जिद्दी योद्धाओं के साथ ये होता है जो अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। हमें चुनौती मंजूर है। तुम्हें तमीज नहीं है, पर खैर तुम बच्चे हो। एनर्जी मैजबी पर तुम्हें डराने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। एनर्जी मैजसॉ आसमान से गिरे खजूर में अटके। इस नक्शे से मुझे महसूस हो रहा है कि कायरो पहाड़ के पास समंदर के किनारे हैं, शायद वहाँ कहीं पर। टीम टायरो यहाँ तक पहुँच गए, गजब है, ये वाकई बहुत तेज हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये चमगादड़ भूखे लगते हैं। पहले 18 ने हमें परेशान किया और अब ये बैच कर रहे हैं। हम फंस चुके हैं, क्या करें? एपेक, अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हें ना। टीम टायरो, तुम तीनों बाहर आ सकते हो। बच्चों का चहिता, हाँ मैं भूल गया था। आखिर तुम लोग यहाँ कैसे फंस गए? हमारा सामना टीम रेडिकॉर से हो गया था। क्या रेडिकॉर? उन्होंने तुम्हें सिर्फ बंदी बनाया? वाकई तुम्हारी किस्मत अच्छी है। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम तीनों हमसे छुपा रहे हो? दरअसल हम खुद को साबित करने के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। तुम्हें कुछ कर दिखाना है, अच्छी बात है, पर ट्रेनिंग के बिना ऐसा करना ठीक नहीं। फिलहाल तुम तीनों को इसी वक्त मिनिस्ट्री जाना पड़ेगा। पर हमें कार लाना है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो हम संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। ऐसा मत करो काय, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हम भी तुम्हारी तरह योद्धा हैं। तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें इसका तजुर्बा भी नहीं है। जैसे तुम्हें ट्रेनिंग का तजुर्बा नहीं है टीचर। भले ही मैं डैड की तरह अच्छा टीचर नहीं हूँ, पर एक चीज सिखा सकता हूँ कि हमेशा अपनी टीम को आगे रखो। ठीक है, अभी कुछ और मत सोचो और मॉनेस्ट्री चलो। अगर हमें कुछ सीखना है तो ये एक्सपीरियंस हमें काम आएगा। और हम कायरो के कितने करीब आ चुके हैं, हम आप नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे काय? हमें जल्दी जाना चाहिए इससे पहले कि रेडिकॉर कायरो ढूंढ ले।
ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकते हो, पर सिर्फ एक शर्त पर, और वो ये है कि तुम सभी पीछे रहोगे ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। इससे आगे रास्ता नहीं है, कायरू यहीं कहीं होगा। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी जैन। बॉर्डर क्रश। तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे ये धमाके होना बंद हो जाए? मेरी टीम के हिसाब से तुम डरपोक लगती हो, और तुम जानती हो डरपोक लोग मुझे कभी पसंद नहीं होते हैं। देखो जैन कौन आया है, बच्चों को बंदी बनाकर अपने आप को ताकतवर समझते हो? कायरू को हमने ढूंढ लिया। ये बच्चे तुम्हारे साथ हैं? क्या तुम इनके ट्रेनर हो? जिसने भी टीम स्टैक से ट्रेनिंग ली है, समझ लो वो दुनिया का सबसे बेकार योद्धा होगा। बच्चों पीछे रहना और अपना ख्याल रखना। कायरू चुनौती। चुनौती मंजूर है। जैसे भूकंप आने वाला है, ध्यान से दोस्तों। अच्छी बात है, अब सिल्वर बैक्स गडबस्टर का सामना करो। सिल्वर बैक्स। शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद करो, एक और ब्लास्ट हुआ तो पहाड़ नीचे गिर सकता है। इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ जल्दी। जिया, मैंने कहा था ना अपनी जगह से मत हिलना। कायरू योद्धा अपनी टीम को मुसीबत में कभी नहीं छोड़ते, चाहे जो भी हो जाए। और तुम्हें लगा था तुमने उन्हें कुछ नहीं सिखाया? अपने एनर्जीज को ट्राई करो बच्चों। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बच्चों। बच्चों से बदतमीजी मैं कभी सह नहीं सकता। दोस्तों वो देखो, वो रेतीली चट्टान है। तुम्हें पता है ना, जब हम रेत को बहुत ज्यादा गर्मी से उड़ाते हैं तो क्या होता है? वो बदल जाएगा कांच में। फ्रैक्टल मैग्मा ब्लास्ट। केमिस्टर पहले तुमने बच्चों को भेजा, अब हमें इस तरह से फंसा रहे हो? तुम्हें क्या लगा हम इतने कमजोर हैं? जेर, हमें यहाँ से बाहर निकालो, मुझे रुकावट नहीं चाहिए। बूमर माया तैयार हो जाओ, उनकी एनर्जी बस खत्म होने वाली है। बच्चों का आज का पहला पाठ खत्म किया है। असली लड़ाई करते वक्त तुम्हें कैसा लगा जिया? ए प्लस टीचर। वो
देखो दोस्तों, अब तुम देखोगे कायरू चैलेंज जीतने के बाद क्या होता है। टीम टायरो, जब मुझे लगने लगा कि तुम समझदार हो चुके हो, तभी तुम लोगों ने आज अपने साथ साथ टीम स्टैक्स को भी मुसीबत में डाल दिया। आज के बाद तुम लोग किसी भी खोज में शामिल नहीं होगे जब तक तुम अपनी ट्रेनिंग अच्छी तरह पूरी नहीं कर लेते, समझ गए तुम? समझ गए मास्टर बोडाय। और तुम लोगों की गलती की सजा यह है कि तुम लोग पूरा हफ्ता आंगन साफ करोगे। अगर इनका यहाँ का काम जल्दी खत्म हो जाए तो इन्हें एक्सकेपर साफ करने के लिए भेज दीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा मशवरा है। ओह, ऐसा मत कीजिए, आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। डरो मत बच्चों, एक्सकेपर बिल्कुल साफ सुथरा है, वो एक मिनट में साफ हो जाएगा। इसे साफ करने के लिए एक मिनट नहीं, कम से कम एक साल लग जाएगा। कॉकपिट देखा था मैंने। मैं इस बार टीम स्टैक्स को हमें हराने नहीं दूंगा। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है जो मुझे पड़ा मिला कीचड़ में। यह है ब्रूटलॉन, ग्रैपलर और मैंगलोर। बहुत बढ़िया। इनकी मदद से हम टीम स्टैक्स को अगले मुकाबले में कड़ी चुनौती देंगे, मजा आएगा। कई बार किसी मॉन्स्टर का सामना करना वो भी जुनून के साथ अच्छा माना जाता है, लेकिन हर बार नहीं। तीन चायरों ने यही गलती की, वो भी बिना जाने कि मॉन्स्टर्स के पास कितनी शक्तियाँ हैं। एक योद्धा किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी योजना बनाता है।